वेलकम 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 शाहीनगर किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये बोटी कबाब गोश्त है, मटन बोटी कबाब। ही मटन को हमने बॉयल करके रखा है, इसमें हमने अदरक दिए, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन दे करके इसको हमने बॉयल कर दिया है। यहाँ हमने आलू भी बॉयल करके रखा है, वो 250 ग्राम के लगभग आलू है। यहाँ ब्रेड क्रम है, चीज़ है, धनिया पत्ती, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ वो लहसुन है, और वहाँ चाट मसाला है, धनिया पाउडर है, धनिया क्रश किया हुआ है, सफ़ेद नमक है, प्याज है, इधर हमारी मिर्च सब है। यह सब चीज़ इसमें डाल करके इसको क्रश करेंगे। आलू को हमने बॉयल करके उसको मैश करके उसको रख दिया है। थोड़ा सा वक्त इसी में लग जाता है, थोड़ा सा इसको रेशा निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बस थोड़ा देर के लिए। ऐसे चाहें तो हम तो ग्राइंडर से नहीं किए हैं कभी भी, कि ग्राइंडर से करके देखें या चॉपर से करके देखें ये होता है कि नहीं होता है, इसलिए नहीं किए। नहीं होगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको धीरे धीरे का सारा काम को अंजाम देना है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में बनाएंगे, बहुत अच्छे से लगेगा देखने में भी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत पहले से मैंने इसको बॉयल करके रखा था, हमें दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं दिखाने के लिए आप लोगों को ऐसे कर लेती हूँ। आप लोग चाहें दावत मेहमानी में पहले से सारी तैयारियाँ कर लें, रात में सारी चीज़ को बना लें, अगर दिन की दावत है। अक्सर तो अब रात में ही दावत होती है, दिन में तो होती नहीं है। दिन में सारा काम कर लीजिए या एक दिन पहले कर लीजिए, करके इसको फ्रिज में रख दीजिए, इसे आराम से ये पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये महीना महीनों दिन तक कुछ नहीं होता, फ्रीज़र में रखिएगा। दिखाएंगे कैसे बना करके आप इसको डीप फ्रीज कर सकती हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा गोश्त गल गया, गल चुका है। देखिए बहुत अच्छे से गोश्त हमारा गल के चूर हो रहा है। देखिए कितना आराम से, कुछ कुछ तो बहुत तेज़ी से हो जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा नस है, थोड़ा थोड़ा सा पर्दे वाला गोश्त है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर रेशा आ जा रहा है, ऐसे और है नहीं। इसको हो ही चुका, थोड़ा सा और है, एक दो पीस और रह गया है। यह हमारा गोश्त 300-400 ग्राम के लगभग था, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बना करके। एक बार हम मेहनत करते हैं, रख देते हैं, सब लोग अपना 2 दिन 3 दिन अपना दिल भर के खा भी लेते हैं। हमारे यहाँ यही सब चीज़ ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। ये हमने एक पीस और निकला, अभी एक पीस और है, सब हो ही गया। आलू लिया, अब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे एक एक करके। ये क्या है, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, तीखी मिर्च, ये चाट मसाला, ये ज़रूरी है देना, क्योंकि इसी से चीज़ अच्छी होती है। मिर्ची कम आप अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि हमने इसमें भी दिया है मिर्च। ये अदरक, ये अदरक क्रश किया हुआ, आप अपने हिसाब से अदरक डालेंगे। यह लहसुन क्रश किया हुआ, ये नमक, एक चम्मच दिया है नमक, इसलिए कि गोश्त में भी डाला है हमने नमक। यह क्रश किया हुआ धनिया,
ये जीरा पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक कस्तूरी मेथी, धनिया पत्ती, हल्का पानी निचोड़ करके इसको लेंगे। प्याज, प्याज में पानी होता ही है, एकदम प्याज में पानी होना ही होना है। कुछ भी कर लीजिए, प्याज पानी छोड़ेगा। ये हमारा 150 ग्राम प्याज है, दो बड़े प्याज थे। सारे काम को अंजाम देते जाइए, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से आखिर का काम जो होता है बहुत इजी हो जाता है, शुरू में ही परेशानी का सबब होता है। अब इसमें ये जो हमने इसको डाला, जो गोश्त को क्रश करके रखा था, अब इन सारे चीज़ों को दे करके हमें मैश करना है बहुत अच्छे से। मिलाना है, बहुत अच्छे से ही मिलाना है। थोड़ा सा पुदीना का पाउडर हमने लिया, एक चम्मच। इसको बहुत अच्छे से मैश करेंगे पूरा, जैसे हमेशा बोलते हैं कि मैश करके इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे। तब उसके बाद से बाकी की तैयारी करेंगे। छोड़ देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी पानी वगैरह जो भी निकलना रहता है निकल जाता है। तो थोड़ा सा हमने सोया सॉस दिया, काला वाला, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। आप चाहें तो इसमें शेजवान चटनी भी दे सकती हैं, हमने नहीं दिया है, आप चाहें तो दे सकती हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर अगर दिल चाहेगा देखेंगे, अगर गीला लगेगा तो इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम मिला देंगे, क्योंकि अभी हम अंडा को भी घोल करके रखेंगे, इसमें नमक दे करके घोलेंगे। बहुत अच्छे से हमारा ये हो गया, सना गया। जो परेशानी होती है बस यही तक होती है। अब क्या आप हमें फ्राई करना, कुछ भी नहीं करना, आप हमें सिर्फ डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई कीजिए, या आप ओवन में कीजिए, या एयर फ्राई कीजिए, नहीं वो खाना चाहती हैं, या स्टीम कीजिए, वो अपनी अपनी च्वाइस है। चाहे सेलो फ्राई कीजिए, जिस चीज़ से दिल एलर्जी है वो चीज़ इसमें आप ना डालें। हमने मैं बार बार बता देती हूँ, अब इसको मैं रखने जा रही हूँ 10 मिनट के लिए फ्रिज में। ये हमने दो अंडा लिया, गर्मी का अंडा डर लगता है, पता नहीं खराब हो कि नहीं हो। खैर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई भी अंडा खराब नहीं आया है, जो भी जितने भी अंडे आए सब अच्छे ही आए। ये थोड़ा सा हमने नमक लिया, नमक दे करके इसको करेंगे, अब टिकिया तलेंगे। जो हमारा कबाब हो चुका है रेडी, ला रहे हैं फ्रिज से निकाल करके उसको भी। ये हो चुका, थोड़ा सा हल्का सा रिफाइन ले रहे हैं हाथ में लगाने के लिए, बहुत हुआ, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसको हमें बनाना है,
आप जितना बड़ा बॉल चाहें बना सकती हैं अपने हिसाब से। अब इसके अंदर चीज़ हमने भर दिया, आप चाहें तो चीज़ ना भी भरें तो भी बनेगा, तो भी खाया जाएगा। इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं अपने हिसाब से, सभी चीज़ करनी चाहिए अपना काम। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, ये हो चुका, अब इसको रख दी। आप बिना चीज़ का भी बनाइए, अच्छा लगेगा। जो लोग, बहुत लोग चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत लोग प्याज नहीं खाते हैं, बहुत लोग लहसुन नहीं खाते हैं, बहुत लोग तो मीट भी नहीं खाते हैं, तो अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने तरीका है। देखिए कितने आराम से सारा काम को अंजाम हमने दिया। इसको बीच में से गहरा कर दिए, इसको डाल दिए। मसाला चीज़ है, आप जो चीज़ देना चाहें इसके अंदर भर सकते हैं। चीज़ वगैरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है। माने रही, ये हमने डाला, ये हमने ब्रेड क्रम लगाया, बस इसको अंडे में डुबाया, इसका से उसमें डालेंगे। ये अभी फेन पूरा है, फेन हो जाता है ख़त्म तो मैं इसे निकालती हूँ। ये हमारा हो चुका, अब मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ, दूसरा डालेंगे। ये दूसरा भी तल रहे हैं, करके यहाँ एक निकाला है। यह हमारा बोटी कबाब चीज़ दे करके बकरीद स्पेशल ये तैयार हो चुका है। बकरीद स्पेशल नहीं है, सॉरी, बकरीद का सामान बनाते बनाते जुबान से बकरीद ही रटा गया है, ये बकरीद स्पेशल नहीं है। अब दावत मेहमानी का ये चीज़ है, दावत कीजिए, मेहमानी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पार्टी कीजिए, फंक्शन कीजिए, बनाइए। और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए पूरा चीज़ वगैरह से नज़र आ रहा है, अभी गर्म है इसलिए काट करके नहीं दिखा रहे हैं, और ना काट के दिखा देते। हमारा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है हमें बताएं, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग देखें और उसके बाद ही हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया करें, तभी हमें खुशी होती है। हमारे चैनल में कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं हमारे चैनल को। अभी हाथ जल रहा है, वरना काट करके दिखाते हैं, इसके बीच से जो चीज़ निकलती है बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम।